हेलो दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव। क्या हालचाल है? आज के हमारे इस नए ब्लॉग और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर आकांक्षा दुबे के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, फिर पता लगेगा दोस्तों आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो गाइज, आपको बता दें, आकांक्षा दुबे एक ऐसा वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो रो रही हैं और बोल रही हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार समर सिंह होंगे। जी हाँ, भोजपुरी स्टार, भोजपुरी सिंगर, भोजपुरी एक्टर और बहुत फेमस एक्टर, भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाल मचाने वाले भोजपुरी सिंगर समर सिंह इस समय जेल में बंद हैं और आकांक्षा दुबे के मर्डर केस में उनकी जेल के अंदर उनकी तुड़ाई धुनाई मुनाई जो हो रही सब हो रही है और पिटाई हो रही है। और बात दोस्तों क्या सही है क्या गलत, अभी कुछ निष्कर्ष सामने निकल के नहीं आया, लेकिन आप बता दें, आकांक्षा दुबे एक ऐसे वीडियो उनका वायरल हो रहा और ऐसे वीडियो में रो के बोल रही हैं अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेवार समर सिंह होंगे, सिर्फ समर सिंह होंगे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर उनका वीडियो तो सच्चाई है और आप मीडिया पर जाकर देखें बहुत तेज़ वायरल हो रहा है, तो आकांक्षा दुबे खुद बोल रही हैं कि इसका जो हमारे जो ऊपर कोई भी आपत्ति आती है या हम कुछ भी करते हैं इसके जिम्मेदार समर सिंह हैं। दोस्तों, जो समर सिंह के वकील थे वो भी इन्होंने दावा किया है और बोल दिया है कि समर सिंह अब बहुत ही मुश्किल फंस सकते हैं, उनका केस बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकता है और सुनवाई अभी जल्दी नहीं हो सकती है जब तक कुछ मामला सामने नहीं आता। दोस्तों, अभी तक ये कहा जा रहा था, अभी मीडिया में आ रहा था और काफ़ी न्यूज़ चैनल पर आ रहा था और काफ़ी यूट्यूब के माध्यम से आ रहा था कि कहीं आकांक्षा दुबे ने कहीं ऐसी बात नहीं बोली है कि हम समर सिंह प्रताड़ित करते थे, समर सिंह हमारे काम करने में बाधा बनते थे। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, एक ऐसा वीडियो सामने आया कि एक लड़की ने, इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़की ने आकांक्षा दुबे के माँ को भेजा इस वीडियो को और वो वीडियो रात भर वायरल हो गया। और दोस्तों, बात सच्चाई है गलत है अभी ये नहीं पता, लेकिन दोस्तों केस जो है बढ़ता चला जा रहा है और सुनवाई नहीं हो रही है और समर सिंह बहुत ही बुरी मामले में फंसे हैं और बुरी तरह फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेज वायरल हो रहा है और उसमें कुछ आकांक्षा दुबे कह रही हैं कि हमें मारने वाला या हमें जो हमें इस दलदल में ढकेलने वाला समर सिंह है और समर सिंह है हमारे प्रताड़ित करने वाले। दोस्तों, इस वीडियो में क्या सच्चाई है क्या नहीं है अब तो कानून के हक में फैसला गया, कोर्ट में चला गया, अब कोर्ट फैसला करेगा कि क्या सच्चाई है क्या इसमें गलत है, तो सब कोर्ट ही फैसला करेगा। तो हम और आप जहां हैं, आप भी वहां हैं, हम भी वहां हैं, जो हमको सही दिखता है, जो हमें न्यूज़ के माध्यम से मिलता है दोस्तों, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं कि समर सिंह बेगुनाह है, क्योंकि अगर बेगुनाह नहीं होते तो इतना दिन नहीं लगता और उनके खिलाफ नए नए केस लगते चले जा रहे हैं। और अगर हम ही हैं या आप हैं दोस्तों, अगर इसको आप माइंड करें, हम और आप हैं, अगर आप किसी वीडियो बना के या इंस्टाग्राम पे या अपने यूट्यूब चैनल पे अगर आप बताते हो कि हमें मारने वाला राजू भैया है, हमें मारने वाला ये कोई भी नाम है, तो दोस्तों, अगर मेरा कोई वीडियो मैं अपने यूट्यूब पर डालता हूँ कि हमें कोई प्रताड़ित कर रहा है, हमें कोई मारने वाला है या इसमें साजिश किसी और की है, तो दोस्तों ये वीडियो सच्चाई है। अगर हमें कोई परेशान कर रहा है, अगर हम बहुत तकलीफ में हैं, बहुत ही दुख में हैं, तो हर इंसान जब कोई दुख में होता है, जब परेशान में होता है, तभी अपना दिल की बात दोस्तों सोशल में डालता है, नहीं डालता। तो बात सच्चाई है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों क्या राय दोस्तों, आप लोग इस केस को किस निगाह देखते हो, किस तह तक देखते हो दोस्तों, कमेंट बताएं कि बात सही है गलत। दोस्तों, राजू भैया से कोई गलती हो क्षमा करना। तो अगले नेक्स्ट वीडियो मिलने तब तक आप लोगों से